यह लिखा गया है कि आबादी के हिसाब से राज्यों का बंटवारा होना चाहिए और देश में छोटे राज्यों के निर्माण के लिए विधिवत राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाने का प्रस्ताव है। तो साथियों, वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, बहन मायावती की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव 2011 में पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको खारिज कर दिया और हमारे राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव लटका रह गया। आज ये राज्य नहीं बनने के कारण हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। इमरजेंसी की अवस्था में हमको इलाज कराने के लिए चाहेंगे और यहाँ के लोगों को लेबर बनाया गया लेबर बन... लेकिन मजदूर एकता जिंदाबाद 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 पंचल सेना जिंदाबाद 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 पंचल लैंड जिंदाबाद 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 पंचल सेना जिंदाबाद 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 लेकिन अब पोस्टर बंद करो बंद करो बंद करो परम आयुक्त होश में आओ सजाता है लोगों को खाना परोसता खाना खिलाता है। आज वही वर्ग के साथ हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका दर्द ये है कि ये जब मैरिज हाउस में काम करते हैं तो काम का घंटा कुछ निर्धारित नहीं है। श्रम विभाग के द्वारा इनके रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो एक्स्ट्रा ये काम करते हैं 16 से 18 घंटा काम करते हैं उसकी कोई अतिरिक्त मजदूरी इनको नहीं दी जाती है। और चूंकि सारे जितने समारोह होते हैं उसमें अधिकतम रात में होते हैं और रात को जब ये समारोह से घर तक लौटते हैं तो रास्ते में पुलिस भी इनको परेशान करती है। और ये हाल पूरे देश का है, ये केवल गोरखपुर का नहीं है, पूरे देश का है। आज पूर्वांचल सेना ने ऐसे कामगारों के लिए यहाँ पर आवाज उठाई है। इसके साथ एक और बड़ी बात होती है कि अगर शादी विवाह के समारोह में कोई सामान गायब हो जाए, खाना घट जाए, कोई चोरी हो जाए तो सारे लोगों को छोड़ करके इन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाता है। इन्हीं प्लेट धोने वाले बर्तन मांजने वाले लोगों को निशाना बना करके उनकी पिटाई की जाती है। आज पुलिस प्रशासन ने तमाम नर्सिंग होमों में एक चेतावनी पोस्टर लगा दिया है कि अगर नर्सिंग होम में कोई अनियमितता हो रही है या मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार हो तो यहाँ मारपीट न किया जाए। आज हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसा ही पोस्टर सारे मैरिज हाउसों में लगाया जाए कि इस वर्ग को भी सम्मान मिले, इनके साथ कोई मारपीट की घटना न हो। दूसरा, श्रम विभाग इनका बकायदे रजिस्ट्रेशन करके इनको मजदूर घोषित करे। तीसरा, इनका जो मजदूरी का जो घंटा है वो निर्धारित किया जाए। सारे मैरिज हाउस इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशित किया जाए कि इनके मजदूरी के घंटे निर्धारित हों और अगर एक्स्ट्रा मजदूरी उससे ज्यादा होती है तो उनके वो मजदूरी उसका दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को गोरखपुर में कम से कम 10,000 लोग हैं। पूरे गोरखपुर में गांव देहात के मिला करके 10,000 ऐसे मजदूर हैं जो शोषित हो रहा है। ये लोग कभी श्रम विभाग नहीं गए वहाँ पे आया क्या आवाज? देखिए, श्रम विभाग कहता है हम केवल राजगीर का करते हैं, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन का करते हैं, इन लोगों को मजदूर की श्रेणी में रख ही नहीं रहा है। दिक्कत यह है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण जितने बड़े स्तर पर होता है उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। आज हमारे देश में केंद्रीकरण के नाते केंद्र पिछड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 20 करोड़ की आबादी है और उसको एक मुख्यमंत्री गवर्न नहीं कर सकता है। आजादी के पहले और बाद में भी देश में छोटे राज्यों के निर्माण की बात हुई थी और देश में छोटे राज्यों का निर्माण भी हुआ। इसी क्रम में इस क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ और 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में उत्तर प्रदेश को 4 छोटे राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रस्ताव पारित होने के बाद भी अब तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं लाया है और इस राज्य को नहीं बांटा है। हम पूर्वांचल सेना 2006 से इस राज्य को अलग राज्य के दर्जा दिया जाने की मांग कर रहे हैं और आज हम लोग 2700 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ गोरखपुर में जुलूस निकालकर पदयात्रा निकाल करके इस पूर्वी उत्तर प्रदेश को बुद्धालैंड के नाम से
अलग राज्य का दर्जा मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश बुद्ध का जन्मस्थल है और बुद्ध के नाम पर पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरव से ऊंचा होता है। अगर बुद्ध के नाम पर इस जगह को राज्य का दर्जा मिलता है तो ये राज्य पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शतक पर्यटन उद्योग खड़ा हो जाएगा और जो हमारे नौजवान दिल्ली मुंबई की सड़कों पर रोजगार खाने के लिए भटक रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनके साथ ट्रेनों में लूटपाट की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, उनके फेरे कमचे को उलट दिया जा रहा है, उनके धंधे को बर्बाद किया जा रहा है, उनको इससे निजात मिलेगा। आज हमको इमरजेंसी के इलाज कराने के लिए पीजीआई जाना पड़ता जो 300 किलोमीटर दूर, हमको न्याय पाने के लिए 300 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है और इन सब कारणों के नाते जो देरी होती है उससे भ्रष्टाचार जन्मता है और पिछड़ापन जन्मता है और इसी नाते हम पिछड़े होते जा रहे हैं। हम केंद्र और प्रदेश सरकारों से इस पदयात्रा के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि पूरी उत्तर प्रदेश के 2700 जिलों को जल्द से जल्द अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और इसका नाम बुद्धालैंड बुद्ध प्रदेश रखा जाए। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।